यहाँ पे है भोलेनाथ जी की स्टैचू मूर्ति। तो गाइस आप लोग भी लगा लो लो खींचने के लिए। ये देखो यार क्या सेक्सी व्यू है ना यार, ये चेक करो प्यारा है ना। ओए होए ओए होए भाई साहब ये देखो पुल इलबिता को, इतनी नैरो रोड है कि हमें रुकना पड़ रहा है, ट्रक आ रहा है। ओए होए यार गाइस ये देख रहे हो नीचे खाई। ओए होए मेरे हाथ में दर्द हो गया। हाथ में गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग। आज है हमारा राइड का सेकंड डे भाई। कल तो हमारा बहुत ज्यादा दिन खराब था, इतना दिन खराब किसी का ना हो भगवान करे। अभी हमें हटकोटी में जहाँ पे हमने अपना टेंट लगाया था, ये हम टेंट में बैठे हैं और बाहर तो भाई सुबह हो चुकी है। देखो अभी बाइक सवारी खड़ी है और ये प्रतीक है। कैसी नींद आई ब्रो, कैसा रहा टेंट का एक्सपीरियंस पहली बार कैंपिंग का? मजेदार था। अभी आपको बाहर का व्यू भी चेक कराता हूँ, पहले हम लोग रेडी हो जाए क्योंकि अभी करंटली ठंड है यहाँ पे। सुबह शाम की तो ठंड है, दोपहर को होती नहीं है इतनी, लेकिन सुबह शाम की बहुत ठंड है। रात को हम वैसे नॉर्मल सो गए थे लेकिन 2-3 बजे हमें ठंड लगी तो हम स्लीपिंग बैग में आ गए थे अंदर। प्रतीक और मेरे को ठंड काफी लगती है, प्रतीक को शायद कम लगती है, तो मेरे को ठंड ज्यादा लगती है तो हम रात को स्लीपिंग बैग में आ गए थे। अभी हमने सारा बैग पैक करना है, शूज वगैरह सारे हमारे अंदर है, कुछ भी हमने बाहर नहीं छोड़ा बाइक के अलावा। अभी ये तैयार हो रहा है, ये तैयार होने के बाद मैं तैयार होऊंगा, उसके बाद फिर हम पैकिंग करें। तो भाई आप लोगों को एक बात बताता हूँ, कल मैंने ये पैंट पहनी थी और पता नहीं ये कहाँ की कैसे फट गई, कैसे नहीं फटी। ये देखो ये फट गई नीचे से, ये ना मेरे को लगता है सैडलिंग करता हूँ ना, जब मैं बाइक पे सैडलिंग करता है फटती है मेरी। ये मेरी दूसरी पेंट है जो यहाँ से फटी है। तो भाई ये अपना टेंट था और ये अपने कुछ नए दोस्त समझा जाते हैं, बना ही लेते हैं। मेरा टॉयलेट नहीं करना उस पर। ये देखो ये प्यार आ गया अभी से। और भाई ये कुछ व्यू है, ये देखो शानदार व्यू ना ये। और ये वो मंदिर है, ये मंदिर बहुत सुंदर है, अभी अंदर जाएंगे ना दिखाऊंगा आपको। ये पता नहीं कल किसकी बाइक थी, इनकी वजह से हमें थोड़ा सुनना पड़ा, बट ठीक है चलेगा। ये अपनी स्कूबी है भाई, ओस जम गई इसके ऊपर सारी, ठीक है ये पूरी सीट पे ओस ओस, ये गीली पड़ी है। ये अपनी अपाचे 310। तो भाई जस्ट अभी हम क्या कर रहे हैं ना, हम लोग बैग पैक कर रहे हैं एक्चुअली। कल जिसको गोप्रो इंसा 360 और अपना इंटरकॉम दिया था ना चार्ज करने के लिए, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वैसे उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है। ये बिल्डिंग दिख रही है आपको, इस बिल्डिंग के बैक साइड ही है। अभी आई गेस वो सो रहे होंगे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो अभी हमने जब तक अपनी बाइक साफ़ कर ली है, बाइक साफ़ करने के लिए ना भाई हमने पूरा ग्राउंड देख लिया, कहीं कपड़ा नहीं मिला। लेकिन कल ये कोई बाइक खड़ी करके गया था अपनी, हम जैसे इसी बाइक चेक कर रहे थे तो हमें यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ दिखा, हमने तो निकाल लिया। तो अब वो कपड़ा हम ही लेके जाएंगे, अब हमारे काम आएगा वो कपड़ा। तो भाई चलो हमारी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो भाई वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, कैसे आप सभी लोग, एकदम बढ़िया। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। और अब भाई वीडियो पर कोई ना कोई कमेंट करके जरूर जाया करो यार, बिना कमेंट करे मत जाना। और हमने कल वाले कपड़े पहने हैं इसलिए क्योंकि हमने अभी 2 दिन और राइड करनी है, तो अब हम कल कपड़े चेंज करेंगे। जीन्स मैंने कर लिया बिकॉज मेरी जो मेरी दूसरी जीन्स थी वो मेरी फट गई थी, तो मैंने इसलिए जीन्स चेंज कर लिया। अब इसके बाद ये फटती है तो भाई मेरे पास और कोई जीन्स है नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो थोड़ा संभालिए, सेलिंग आज नहीं करेंगे। बाकी भाई आज का जो सफर होने वाला भाई नेक्स्ट लेवल होने वाला है। कल भी व्यू बहुत सेक्सी था, आज तो उससे डबल होने वाला भाई। आज जो रोड एक नंबर तो वैसे मैं बोलूंगा नहीं होगी, लेकिन भाई जो व्यू होगा ना, रोड कंडीशन तो बहुत खराब है लेकिन भाई व्यू चुम्मा व्यू। बताना कि मेरे को, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं इस वीडियो की सीरीज कितनी लंबी बनाऊं, कितनी देर की होनी चाहिए, 12 से 15 मिनट की होनी चाहिए, 20 से आधे घंटे की होनी चाहिए, तो मुझे इस वीडियो का भी बता देना। वैसे मैं हर वीडियो की उतना ही बनाऊंगा लेकिन आप फिर भी मुझे बता देना। और बाकी कमेंट करके जाया करो यार, बिना कमेंट करे नहीं जाना, ठीक है। तो यार हमने बैग वगैरह मेरी बाइक पे बांध दिया है और टेंट में से सारा सामान निकाल के भी इसके ऊपर रख दिया है, बिकॉज अपना टेंट पैक करना है और प्रत्येक की बाइक बांधनी है। क्या टाइम हो रहा है? 8:06। 8:06 हो चुके हैं और जल्दी से जल्दी निकलते हैं, लेट नहीं होना चाहता और कल की तरह। वो दिख रहा है आपको, वो आ रहा गौरव भाई इतनी दूर से। चलो भाई फाइनली आ गया, प्रत्येक कह रहा था ये लेके भाग तो नहीं आ रहा था रात। तो फाइनली गौरव भी आ चुका है, हमारा GoPro इंसा 360 आ गया। अब निकलते फिर हम जल्दी से टेंट पैक करते हैं। गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड मॉर्निंग, कैसा है? बढ़िया। तो भाई ये है गौरव, देख लो इसको। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू थैंक यू। 2-2 घंटे में हो गए थे दोनों चार्ज हो गए, 2-2 घंटे में, बहुत सही। तो भाई अब टेंट भी उतार रहे हैं हम, रुक जा पहले साइडों से उतरेंगे। तो ये उतार रहे हैं, अब टेंट भी पैक करते हैं फिर चलते हैं हम जल्दी से मंदिर के अंदर। तो भाई चलो अब मंदिर चलते हैं एंड
जैकेट वगैरह सब ये रहते हैं, चलते हैं बस टैंक बैग उठा लेंगे और हेलमेट उठा लेंगे। बेशक हेलमेट उठा लें, इंटरकॉम ब्लूटूथ लगा हुआ इसमें, एक काम करते हैं इंटरकॉम निकाल के बैग में डाल देते और बैग ले चलते हैं। गौरव को बैग दिया था इसे, टैंक बैग चिपक गया लोहे पे उतरने। तो भाई ये है मंदिर की एंट्रेंस, ठीक है यहाँ पे शूज वगैरह हमें उतारने हैं, अभी अंदर से दिखाता हूँ। वो चिमक चिपक जाएगा, चिमक चिपक जाएगा। तो भाई चलो मंदिर में चलते हैं। अब ये है मंदिर की एंट्रेंस, एक घंटी बजाई। चलो देखो लेफ्ट में ये ऐसे, राइट में भी है। देखो कितना सुंदर मंदिर है यार, कितना ज्यादा सुंदर हो यहाँ पे छोटे छोटे बने। ये क्या है, पांडव वगैरह कुछ, इसको भी गाइस इतना प्रॉपर नहीं पता। ये देखो ये कितना सुंदर बना हुआ है ना ये, ओए होए यार क्या चीज। ये पीछे घड़ा दिख रहा है? हाँ घड़ा, एक दो थे थे। दो थे थे, अच्छा एक कहाँ गया? ये एक नदी बह के आती है ना हमेशा। हाँ तो ये दोनों भागते हैं। भागते हैं मतलब भाग जाते हैं, एक भाग गया, एक भाग गया और नदी में बह गया, और नदी में बह गया, और ये नहीं भागा, इसको पकड़ लिया पंडित ने, पकड़ लिया है। कब आई थी? अभी थोड़े पीछे एक दो महीने पहले भाग गया एक। अच्छा जब ही उस पर वो चेन बंदी पड़ी, अभी पास से दिखा दूंगा इस आप लोगों को। यार यहाँ से व्यू भी कितना सेक्सी है ना यार, ये देखो कितने पुराने पुराने टाइप के घर बने हुए हैं। देख लो गाइस कैसे छोटे छोटे ये रखे हुए शेर टाइप से ये। चलो जय माता की। लो गाइस आप लोग भी लगा लो, लो भर दो ये लो प्रसाद, इसमें से ले दूंगा ना मैं। मंदिर देख लिया, ये मंदिर गणपति जी की स्टैचू, एंड ये वो घड़ा है जिसको बांध के रखा हुआ है। तो यहाँ पे है भोलेनाथ जी की स्टैचू मूर्ति, जाते हैं अंदर दिखाते हैं कितना सेक्सी बना हुआ है ना यार ये। ओए होए वाओ, आप लोगों को मैंने ये वाले भगवान जी तो दिखा दिए, लेकिन ये वाले कौन दिखाएगा? ये देख रहे हो ऊपर, ये सारे ऊपर मंदिर के भगवान जी बने हुए हैं। कुदरत शिवलिंग देख रहे हो, कितना बड़ा शिवलिंग है यार। भाई अपनी बाइक का कर रहे हैं कॉल स्टार्ट, पर उम्मीद है कि ये पहली सेल्फ में स्टार्ट हो जाए। तो ये कह रहा है कि मैं स्टार्ट करूँगी, मैंने कर ले भाई कोई बात नहीं, होगी होगी रेस नहीं अभी नहीं, तो पहली सेल्फ में स्टार्ट। तो भाई हम लोग बाइक पर बैठ गए, लेते भगवान जी का नाम, सतनाम श्री वाहेगुरु, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फोन लगा देते चार्जिंग पे, इसमें बैटरी है नहीं। बाय बाय ब्रो, ध्यान रखना। हाँ मिलते हैं जल्दी। चैन लगा हुआ था भाई, प्रत्येक ने बाइक बाहर निकाल ली, अब मैंने निकालनी है। इधर से निकलेंगे, चलो भाई निकल गई। चलो भाई गौरव, चल प्रतीक, अच्छे से दर्शन हो गए, बढ़िया हो गया। 9:30 हो गए हैं, हम 9:30 बजे निकल रहे हैं, मज़ा आ गया। तो यार आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है, ये देख रहे हो नीचे ये नदी है कोई, बहुत सही है यहाँ पे। पता नहीं है, आई थिंक पानी रुका हुआ है, मिट्टी है, पता नहीं क्या है, या फिर दलदल है, पता नहीं है। लेकिन भाई वो व्यू देखो यार, दूर तो कितना सेक्सी है, वो देखो पीछे डैम भी है, तो ये ना ऊपर व्यू बड़े नज़ारे हैं, सेक्सी सेक्सी यार। तो भाई हम लोग जरा पेट्रोल पंप पे रुके थे फ्रेश होने के लिए, सुबह से हम फ्रेश भी नहीं हुए थे ना, मुँह धोया था, तो यहाँ पे मुँह धो लिया। इधर रूडू रुकेंगे, रूडू से पेट्रोल डलवाएंगे और खाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे सीधा चांचल। चांचल यहाँ से है 5 घंटे का रास्ता, और अभी टाइम हो रहा है कितने बज रहे हैं, 1 मिनट 9:46। तो अब आप आइडिया लगा लेना 5 घंटे हमारे किस हिसाब से होंगे। और कल मेरा ना बैक पेन बहुत हो रहा था, तो हम ना साथ में अपने मेडिसन और ट्यूब्स वगैरह कुछ लेके आए हुए हैं, तो जैसे सरदर्द की होगी, हाई अल्टीट्यूड की होगी, जुकाम की हो गई, ORS हो गया, मतलब सब लेके आए हुए हैं। भाई जी देख रहे हो कितने बादल मस्त लग रहे हैं यार, कितने बादल मस्त लग रहे हैं यार, पहाड़ देखो क्या सेक्सी व्यू है ब्रो। लाके दिया
तारे चढ़े सरानू ने पाले ताली उठ की फरारी लगे स्पेश V12 इंजन दे गुंजे लाल कार ने लरन दी सेना नालों तेज रफ्तार ने तीन डिग्री है वैसे उठने नु जाती जितना इंजन। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं रूडू, ये है रोडू देख लो। कल हमने यहाँ तक आना था भाई, यहाँ तक आने में तो मेरे ख्याल हमें आधा घंटा ही लगा है, वो भी रुक रुका के आए हम। तो भाई ये जा रहा है चांशल की तरफ रास्ता, और नीचे देखो कितना प्यारा व्यू है, वो क्लाउड यार क्या कह रहे हो, ये देखो भैंस की यहाँ कितना प्यारा व्यू है। मैंने दो मिनट के लिए बाइक बंद की अपनी, ये देखो बस स्टैंड है नीचे। ओए ओए होए ओए होए क्या कह रहे हो लड़के, क्या कह रहे हो, व्यू देख रहे हो, व्यू देख रहे हो, ओए होए दिल्ली पंजाब, वाओ व्हाट अ नेचर ब्रो। भाई कहां से इतनी जल्दी का रास्ता होता। तो भैया हमने ट्रिप भी कर दिया जीरो, मैं भूल गया यार सुबह कितने किलोमीटर चली थी। अब मैं पेट्रोल जहां से डलवाया मैंने यहां से कर रहा हूं, यहां से चांचल है 44 और अभी टैंक फुल कराया है, देखते हैं हम कितने किलोमीटर चलती है। डिगिर गया यार इससे यार, पानी का फ्लो देख रही हो कितना तेज है, लेकिन गोप्रो कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन ये पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज है। रोड हो चुकी है नैरो, अभी तो कुछ रोड नहीं है, आगे वाली रोड देखना है, तो अगले आगे आएगा मजा। सुनने में आया है आगे अभी हमें कुछ बाइकर मिले थे, वो कह रहे थे बहुत ज़्यादा स्लश है आगे, रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। यार आप ये चेक करो यार, ये चेक करो, प्यारा है ना, लोगों ने लेकिन गंद पा रखा था, पानी की बोतलें हैं नीचे, जूस पता नहीं सब फेंक। अभी हम लोग खाना खाने रुके थे, बाइक मेरी यहाँ पे और प्रतीक की यहाँ पे है, और यहाँ पे कुछ रुके थे, हम खा रहे हैं यहाँ पे शर्मा ढाबा, परोंठे खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, खाया नहीं, उसके बाद यहाँ से चांचल रहता है 44 किलोमीटर, दो घंटे कुछ लगेंगे और जल्दी कवर कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे अपन। तो यार ये देखो यहाँ के कुछ लोकल लोग, अब मुझे नहीं पता ये लोकल हैं या फिर नगर निगम वाले हैं, बट ये यहाँ की सफाई कर रहे हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आके गंदगी फैला दें, तो भाई ये सब काम मत करा करो, गंदगी वगैरह मत फैलाया करो, नेचर को खराब मत करो। भाई हमारे आलू के परौंठे यहाँ चल, अभी दाल भी आएगी और चाय भी आएगी, आते हैं और फिर खा के निकलते हैं, मैं फोन लगा रहा हूँ अपना चार्जिंग। तो भाई यार ये व्यू चेक करो यार, ये व्यू भाई सब पुल देख रहे हो, नीचे नदी जा रही है और सामने हमने जाना है, ये देखो ओए होए सेक्सी क्लाउड्स यार, कीचड़ है, मेरे पीछे आइयो। हाँ तो डिस्टेंस से आऊँगा, कैमरा भी आएगा। हाँ तो यहीं से चलते हैं, राइट से कहाँ जाना, मेरे को लगा रहा रोड यहीं से शुरू हो रही है कच्ची। सेक्सी व्यू, फोटो लेनी है, ले ली यार बहुत, ये भी ठीक है। हेलो, हमारे साई जेड में एक नदी चल रही है और जो इसका पानी है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, इन ब्लू टाइप का कोई पानी है और एकदम क्लियर पानी है भाई साहब, पूछो मत यार। और पता है इतना ठंडा पानी है ना ये, इस समय बहुत चिल्ड पानी है, पीछे हमने पानी भरा पीने का भाई, वो बहुत ठंडा पानी था। और ये देखो ये ब्रिज, नाइस, आगे जा रहे हैं ना भाई, उतने शानदार व्यू आ रहे हैं, और हम हर दो मिनट बाद यही कहते हैं कि भाई अब कहीं नहीं रुकेंगे, अब कहीं नहीं रुकेंगे, फिर हम रुक जाते, कभी फोटो कभी फोन कभी कुछ कभी कुछ। क्रॉस करना है, पूछ ले इनसे एक बारी, हवा वाला कहाँ मिलेगा, हवा भरवानी टायर में, ठीक है अंकल जी, थैंक यू भाई साहब। ये देखो पुल, लड़कियां देख रही है, पूछ लियो किसी से हवा वाला, अंकल यहाँ पे कहीं हवा भरवाने के लिए होगा, लो आंटी आंटी खाने का तो नहीं है, टॉफियां दे रहा हूँ मैं तो, बच्चा है ना ये, ले बेटा लो आंटी आप भी ले लो, ए लो जितनी हाथ में आई, ये टॉफियाँ मेरी मम्मी ने याद दिलाया कि मैं टॉफियाँ ले जियो, लास्ट टाइम तो टॉफियाँ नहीं लेके गया था। तो इतनी नैरो रोड है कि हमें रुकना पड़ रहा है, ट्रक आ रहा है भाई साहब, देख रहे हो सामने से लोग हमें ही देख रहे हैं, एक्टिवा पे भी आए हुए हैं। तो भाई ये आया है टिकरी चांचल पास, एक मिनट, चांचल पास राइट 27 किलोमीटर, चांचल ना, हाँ वाटरफॉल भी है, वाटरफॉल कहाँ, लेफ्ट साइड में 1 किलोमीटर, कितने
इतनी बढ़िया दुकान बनी हुई है। ओए होए रुक जा, ये पेंट हो रहा है, यहाँ आ जा। कांचल पास 30, डोरा 49, कवार 71। तो हमने कवार जाना है। 71 750 क्या ये भाई साहब, जितना आगे जा रहे हो ना उतने प्यारे प्यारे व्यू आ रहे हैं ना, उतने प्यारे प्यारे। देखो उसने मेरे को हाथ दिया। तो यार व्यू चेक करें गाइस, आप लोग व्यू चेक करें। ओए होए ओए होए ओए होए तो भाई ऑफ रोड हो चुका है, कहाँ चढ़ाई, कभी खड़ी आ रही है कभी प्लेन आ रही है, तो अभी ऐसे मिक्स ही हो रहा है। और ऑफ रोड हो चुका है, बहुत गंदे वाला स्टार्ट, कई कई जगह कीचड़ भी है बहुत ज़्यादा। टच वुड की भाई बाइक एकदम बढ़िया चल रही है, अभी तक परफॉर्मेंस बढ़िया है, नो डाउट टायर वगैरह भी एकदम अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। बस हाथ छोड़ के चलाते तो वही बात है, बबल होता है, एक हाथ से भी चलाता तो वो इशू है। ये पता नहीं कौन सी जगह है, शीला देश। देख रहे हो कैसी है, वैसे भी नो डाउट ठीक है, इतनी उतना भी ऑफ रोड नहीं है जितना मेरे को लगा था यार स्पीति वाला ऑफ रोड होगा, लेकिन स्पीति का ऑफ रोड तो कुछ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा। वो तो ठीक है, लेकिन स्पीति वाला ऑफ रोड भाई मेरी ना करा दी थी उस बंदे, उस ऑफ रोड ने कीचड़ शाइन मार रहा है, लस्कारे मार रहा है एकदम शीशे की तरह, धूप की किरणें पड़ रही है ना ऊपर, घर देख कितना शानदार बना हुआ है। तो भैया यहाँ चल रहा है रोड का काम, निकाल लेगा। हाँ निकाल ली बहुत सही, इतना भी नहीं हो। तो यार गाइस ये देख रहे हो नीचे खाई, ओए होए क्या बात कर दी। तो भाई रोड जैसी मर्जी हो अपने हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस व्यू बढ़िया होना चाहिए। अगर व्यू ऐसा है, वो वाटर निकल रहे थे ऊपर से, बचा वाटरफॉल हो गई तो पानी आ रहा है ऊपर से। तो भाई जस्ट यहाँ पे रुके थे हम लोग फोटो खींचने के लिए, ये देखो यार क्या सेक्सी व्यू है ना यार, कितना ज्यादा सेक्सी व्यू है ना भाई, पूछो मत यार। देख के निकालियो कीचड़, मेरा रेडिएटर बंद ही नहीं हो रहा, मेरा भी सोच यहाँ पे ब्लैक आइस नहीं, अगर ब्लैक आइस होती तो क्या होता। प्लीज मत सोचो, मेरे हाथ में दर्द हो गया, हाथ में। हाँ रुकना, आप आगे चलो, रुक जाते कोई बात नहीं। आ जा कोई बात नहीं, इजी है, पानी पियेंगे, आ जा सुपर मीटियोर। चॉकलेट खानी है आपको मुबारक। पंजाब पे भी लुधियाना है गैस। तो यार जैसे हम लोग यहाँ पे रुके थे, बैक पेन हो रही थी मेरी भी, प्रतीक के हाथ में दर्द हो रहा था, एंड यहाँ पे कुछ चंडीगढ़ से बाइकर्स सुपर मेटियोर पे। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया भैया। क्या नाम है आपका? गौरव। एंड आपका भैया? मैंडी। ये कह रहे हैं कि सुपर मेटियोर यहाँ पे इजी आई है, कहीं भी टच नहीं हुई है। चलो अच्छी बात है, कहीं टच नहीं हुई और ना होनी चाहिए, हमारी भी कहीं टच नहीं हुई है, टच वुड फिंगर क्रॉस।